हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत ही खुशी का पल है कि आज हमने चंद्रयान 3 मिशन को हमने लॉन्च किया है। ठीक है, तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो जानते हैं इसके बारे में कि ये जो लॉन्च किया गया है तो आज ही के दिन 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, दोपहर के 2:35 में इसको लॉन्च किया गया है। स्थान जहां से इसको लॉन्च किया गया है तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। लैंड तिथि 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के सतह पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उद्देश्य जो है इसका, इस चंद्रयान 3 मिशन को भेजने का जो उद्देश्य है, पर्पज है, वह है इंटरप्लेनेटरी मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजियों को विकसित करना और उसको प्रदर्शित करना। ओके, चंद्रयान की जो 3 मुख्य घटक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रणोदन मॉड्यूल है जो लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक ले जाया जाएगा। 100 किलोमीटर चंद्रमा के ऑर्बिटर तक ले जाया जाएगा, ठीक है। सेकंड है, दूसरा घटक है लैंडर है जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर को तैनात करने की क्षमता प्रोवाइड करेगा। जो थर्ड इसका घटक है वह रोवर है, यह चंद्रमा पर घूमते हुए अन्वेषण करना, उसका निरीक्षण करना है, रिसर्च करना है। ओके, तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यह है, यदि यह मिशन सफल रहा, चंद्रयान 3 अगर मिशन सफल रहा तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा चंद्रयान 3।